रुकना खिड़की वाले मैम हियर वन स्ट्रेट मैम सेंटर सर आगे आज थोड़ा बाहर आइए ना मैम वेट जी मैं तो बहुत खुश हूँ एंड कंग्रेचुलेशन टू मुकेश छाबरा एंड इज होल टीम व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल इस शहर को बहुत ज़रूरत है एक ऐसी फेस्टिवल की जो कि परफॉर्मिंग आर्ट को एक प्लेटफॉर्म दे एक जगह दे एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड हर साल मैं आऊँगी हर साल सपोर्ट करने के लिए खिड़कियों को भाई बिल्कुल इस शहर में आई थिंक या तो दो तरह के एक्टर्स होते हैं यहाँ तो जो ऑलरेडी मतलब फिल्म फैमिली से होते हैं या थिएटर से आते हैं सो आई थिंक एंड अ लॉट ऑफ एक्टर्स डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस यू नो पीपल इन जनरल फ्रॉम द इन द फिल्म इंडस्ट्री आई हैव हैड अ बैकग्राउंड इन थिएटर एंड आई थिंक एज एन एक्टर क्योंकि मेरा भी ताल्लुक थिएटर से रहा है दिल्ली में एक्ट वन ग्रुप के साथ मेरे टीचर एन के शर्मा जो कि मुकेश के भी टीचर और दोस्त रह चुके हैं सो आई तो विल कम योर एवरी वन आई थिंक थिएटर बहुत ज़रूरी है फॉर एन एक्टर एज अ फाउंडेशन स्टोन सो इट्स ग्रेट व्हाट इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर नहीं इंग्लैंड बहुत लोग जा चुके हैं पहले यस यस वेल आई वॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं अपनी फिल्म वाइसरॉयज हाउस जो कि आज रिलीज हुई है यूके में उसे प्रमोट करने के लिए गई थी एंड मुझे नहीं पता था कि फेसबुक हेडक्वार्टर्स में आज तक कोई हिंदुस्तान से नहीं गया सो बहुत मज़ा आया दे वर वेरी स्वीट दे हैव लवली वेरी क्यूट ऑफिस एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन दे शोड मी अराउंड हमने एक फेसबुक लाइव चैट किया बहुत सारे लोगों के साथ फिल्म के बारे में बात की सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस उसके अलावा मैं अंदर जाके भाई प्ले देखना चाहती हूँ थैंक यू